अक्सर बचपन में जब हम छोटे थे तो मम्मी डैडी हमसे पूछते थे कि बेटा तुम्हारा बर्थडे है, क्या गिफ्ट लेके आऊँ तुम्हारे लिए। इनफैक्ट आज मेरा बर्थडे है तो मम्मी ने मुझे फिर से पूछा कि बेटा शिवम आपको क्या गिफ्ट चाहिए, शिवम तेरे को क्या गिफ्ट चाहिए बताओ, पापा लेके आएंगे या ऑर्डर कर देंगे। बट मैंने यार एक चीज़ सोचा कि क्या हम भी अपने मम्मी डैडी को वो चीज़ दे रहे हैं जो उन्हें चाहिए। गाइस एक बार बस सोचिए, आप सीए स्टूडेंट हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, राइट? सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है मॉम डैड को पता है? जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हो और वही उनके लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है। आप चाहे उनको दुनिया में कोई भी गिफ्ट लेके दो, बट उनके लिए आपका सपना पूरा होना उनके गिफ्ट की तरह है। तो क्यों ना हम भी अपने मॉम डैड को इस अटेम्प्ट में पास होके प्रूव कर दें कि हाँ हम कुछ किए हैं आपके लिए, हाँ ये गिफ्ट आपके लिए है और हाँ हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो गाइस बढ़िया से दीजिए यार अटेम्प्ट, डरना क्यों है, बढ़िया से पढ़िए फोड़िए और पास हो जाइए। बाद में फिर यार टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ ना, बाद में कोई भी दिक्कत हो सीए बनने के बाद मैं हूँ ना, जॉब चाहिए या प्लेसमेंट की हेल्प चाहिए मैं बैठा हूँ, हर चीज़ में तुमको मदद करूँगा। बस अभी अच्छे से पढ़ लो, ये सब चीज़ों में आप ध्यान मत डालो यार कि सर सीए बन जाऊँगा जॉब लगेगी नहीं लगेगी, सर कितने का पैकेज लगेगा, बिल्कुल भूल जाओ। सिर्फ अभी तुम्हारे लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो पढ़ाई। ये चीज़ मत बोलो कि मॉम डैड ने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किए लाइफ में, सिर्फ आपके अकेले के सेक्रीफाइस नहीं है, सबके सेक्रीफाइस है गाइस। तो बढ़िया से पढ़िए, अपने मॉम डैड को प्रूव करके दिखाइए कि हम किसी से कम नहीं, एंड आई डिड माई बेस्ट फॉर यू मॉम डैड। ठीक है गाइस, अच्छे से पढ़िए, कोई हेल्प चाहिए तो बेटर्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा के रखिए।